नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक वाला जो टॉपिक है उसकी डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या फर्क है वो देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार हमने USA के संविधान से लिए हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। बाकी इन सब की डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 22 देखेंगे। आपका नीति निर्देशक तत्व का जो लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात है कहता है। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है वो देखिए बच्चों। नीति निर्देशक मौलिक अधिकार बच्चों नकारात्मक है, राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है क्योंकि ये राज्यों को कुछ निर्देश देते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है और राज्य को ये बात कहता है कि आप किसी भी प्रकार से व्यक्ति के इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं मौलिक अधिकार जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को क्या देते हैं बच्चों, निर्देश देते हैं। अब बात आती है मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, मतलब यहाँ पर यह है कि मौलिक अधिकारों का अगर पालन नहीं करते, मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होता है तो मौलिक अधिकार का क्या है, मौलिक अधिकारों का हमें क्या करना होगा, पालन करना होगा। अगर कोई मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई वाद होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और इसके लिए मैंने आपको बताया था बच्चों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है बच्चों उसकी हमने बात करी थी कि इस अधिकार के माध्यम से पांचों अधिकारों की सुरक्षा किए जाने के कारण कि अगर हमारी समानता का कोई उल्लंघन करता है, हमारी स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा करता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जो है 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो मौलिक अधिकार बाध्यकारी है जबकि ये बाध्यकारी नहीं है बच्चों, ये राज्य को केवल निर्देश देते हैं, राज्य उसका पालन करे या ना करे इसके लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व केवल राज्यों को निर्देश देता है, अगर राज्य ऐसा नहीं करता है या कानूनों को क्रियान्वित नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। फिर आता है बच्चों मौलिक अधिकार बनाए गए हैं व्यक्तियों के लिए, किसके लिए, व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों को ये सभी प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये सारे अधिकार केवल किसके लिए बने हैं, व्यक्ति के लिए बने हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको क्या किया गया है, क्रियान्वित किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से ये संविधान द्वारा लागू होते हैं। व्यक्तियों को जो 6 अधिकार दिए गए हैं वो संविधान ने ही लागू कर दिए हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में जो निर्देश राज्य को दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन तभी हो सकता है जब राज्य उसको क्या करे, लागू करे, तभी नीति निर्देशक तत्व लागू होते हैं।
जब राज्य कोई विधि बना करके उसको लागू करे तभी वो निर्देश लागू होता है, तब तक वो लागू नहीं होता है। जबकि जबकि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से लागू किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मूल अधिकार अनुच्छेद 352 के तहत। क्या है अनुच्छेद 352? देखो बच्चों, हमारे भारतीय संविधान का भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध की बात करता है। किसकी बात करता है? आपातकालीन उपबंध की बात करता है। और ये कहता है कि अगर हमारे देश में बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र युद्ध की संभावना हो जाए या युद्ध हो जाए, तो अनुच्छेद 352 के तहत समस्त देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों पर स्तंभन कर सकता है, रोक लगा सकता है, मौलिक अधिकारों को उस समय छीन सकता है। तो ये निर्बंधन मौलिक अधिकारों पर लगाए हुए हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व हमेशा स्तंभन अवस्था में ही रहते हैं। जब तक कि राज्य उसे विधि द्वारा लागू नहीं कर दे, तब तक वो स्तंभन के रूप में ही रहते हैं। जबकि मौलिक अधिकार सक्रिय रूप में रहते हैं, लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत या अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए, और अनुच्छेद 360 जब पूरे देश में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो जाए, तो उस स्थिति में बच्चों आपातकाल लगाया जा सकता है। और आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में देखने को मिलता है। अब बात आती है बच्चों, सार्वभौमिक नहीं है। मतलब यहाँ पर है कि मूल अधिकार में हमने कह दिया कि निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ निर्बंधन ये कर दिया कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के नहीं रह सकते। आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन निर्बंधन ये लगा दिया कि किसी भी धर्म के विरुद्ध आप किसी भी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बात है कि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ निर्बंधन भी लगाए हैं कि आप विचार और अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। ऐसी किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं दे सकते जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पैदा हो, ठीक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ नहीं है, कोई भी निर्बंधन लगा हुआ नहीं है, राज्य अपने हिसाब से उनको लागू कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों, ये कानूनी अधिकार है। मतलब ये है, ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार प्रदान किए हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन ये जो राज्यों को निर्देश है वो केवल नैतिक बंधन है। राज्य अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग कानून बनाएंगे और उन कानूनों को लागू करवाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी निर्देशों को ही स्वीकार करे, ऐसी कोई बाध्यता उनके ऊपर नहीं है। फिर आता है बच्चों, ये व्यक्तिगत अधिकार है, हर नागरिक को उपलब्ध है, हर नागरिक का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, कहीं पर भी भ्रमण करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, लोक सेवा में रोजगार के अवसरों की समानता, जाति लिंग भेद के आधार पर रहने की समानता, तो ये व्यक्तिगत अधिकार है। जबकि नीति निर्धारण में पथ प्रदर्शक, ये हमारे राज्यों को पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, ये अधिकार नहीं है, केवल राज्यों को निर्देश दिए हुए हैं। ध्यान रखना बच्चों, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को इस प्रकार का निर्देश देता है ताकि हमारे देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, हमारे देश में समाजवाद की स्थापना हो सके, हमारे देश में शिक्षा जो है उसका विकास हो सके। इसके लिए कौन कहता है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात आपका नीति निर्देशक तत्व कहता है। तो आपने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर देखा। एक बार देखो दोबारा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में पहला अंतर है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं।
ये बाध्यकारी है, अगर इनका पालन नहीं होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, ये वाद योग्य है, ये बात कहता है, जबकि ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। ये कहता है अनुच्छेद 32 और ये कहता है अनुच्छेद 37। ये जो है व्यक्तियों के लिए हैं और ये राज्य के लिए बनाए गए हैं, ये संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं, जबकि ये लागू ही तब होते हैं जब राज्य विधि द्वारा उनको लागू करे। मूल अधिकार अनुच्छेद 352 के तहत निलंबित किए जा सकते हैं, और आपको पता है बच्चों अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित हो सकती है, बट अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 क्या है बच्चों? अपराध के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व देहिक स्वतंत्रता, इन दो स्वतंत्रताओं का निलंबन आपातकाल के समय में भी नहीं किया जा सकता, जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर कोई भी प्रतिबंध लगा हुआ नहीं है। ये कानूनी अधिकार है जबकि ये नैतिक बंधन है, ये व्यक्तिगत अधिकार है जबकि ये पथ प्रदर्शक है, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही जनता के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, जनता को वैधानिक आधार प्रदान करते हैं, और देश में एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयासरत हमारे ये दोनों तत्व के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने और बाद में चलकर कई विद्वानों ने, या हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व अच्छे हैं, और कुछ कहते हैं कि मौलिक अधिकार ऊपर है, तो इसके संबंध में न्यायालय में कई वाद लाए गए। उन वादों के आधार पर हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार ज्यादा ऊपर है या नीति निर्देशक तत्व ऊपर है, या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरुद्ध है, या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। और इसके संबंध में न्यायाधीश गडकर ने क्या कहा, क्या कहा न्यायाधीश गडकर ने कहा, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व के बारे में गडकर साहब ने कहा कि मौलिक हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य बना रहे। क्या बना रहे? सामंजस्य बना रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहा गडकर साहब ने। अब बात आती है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये जो मामले आए हैं बच्चों, इन मामलों में क्या न्यायिक दृष्टिकोण रहा? देखो बच्चों, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 1951 में एक वाद आया, मद्रास राज्य बनाम चंपारण मामला। मद्रास राज्य चंपारण मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से अलग है, और दोनों में से सर्वोपरि कौन है? मौलिक अधिकार है। ये बात आपके कह दी किसमें, किसने कह दी? 1951 के बाद ने कह दी कि दोनों एक दूसरे से अलग है, और मौलिक अधिकार जो है दोनों में क्या है? श्रेष्ठ है। उसके बाद आता है बच्चों 1967 में गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद ने कहा कि अगर नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए मूल अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता, नीति निर्देशक तत्व के कानून को लागू करवाने के लिए मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार सर्वोपरि है, सार्वभौमिक है, और नीति निर्देशक तत्व की तुलना में मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि बना दिया बच्चों आपके गोलकनाथ वाद ने, और कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आप मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकते। ये बात कह दी 1967 के गोलकनाथ वाद ने। उसके बाद आता है बच्चों केशवानंद वाद। केशवानंद वाद आया 1973 में, और हमारे संविधान में मूल ढांचे की बात जो इसने कही वो किसने कही? केशवानंद वाद ने कही कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदल
नहीं सकती। मतलब संविधान में फेरबदल करने का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर रहा हो। यही बात उन्होंने मौलिक अधिकारों के बारे में कही कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे में पूरक है। मौलिक अधिकार अगर नीति निर्देशक तत्व को लागू करने में मौलिक अधिकारों का जो संविधान का ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्यों को निर्देश देते हैं, जबकि मौलिक अधिकार उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में बताता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक की बात करता है केशवानंदवाद। लेकिन बच्चों इससे पहले इसके बाद आया 25वां अधिनियम, इससे पहले आया 1971 में, उसने कहा कि 31 में उसने 31 गै छोड़ दिया और कहा कि 31 गै में जो बातें हैं या 31 गै के अंतर्गत जो भी मौलिक मान लो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है, 39 खै और गै के भागों को लागू करना है, 39 खै और गै के भागों को अगर लागू करना है और अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है तो होने दो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि 25वां जो संविधान संशोधन हुआ 1971 में, उसमें संसद ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व ऊपर है, मौलिक अधिकार नीचे है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। यही बात दोहराई बच्चों 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और उसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी। लेकिन किसने 1973 के बाद 42वें संविधान की बात को नकार दिया? मिनर्वा मिल्स वाद में। मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया कि क्या कहा गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व वह लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। ये बात कही आपके मिनर्वा मिल्स जो कि 1980 में आया, उसने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, नीति निर्देशक लक्ष्य है जिनको प्राप्त करना है और मौलिक अधिकार वे साधन हैं जिसके द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार बच्चों मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को लेकर के विवाद चला, कई न्यायिक विवाद आए, लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद ने साबित कर दिया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। तो ये बात आपके न्यायिक दृष्टिकोण से सिद्ध हो जाती है। तो आज हमने बच्चों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, इनके अंतर को समझा और हमने देखा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का न्यायिक दृष्टिकोण क्या है। हमने इस वीडियो में ये बात देखी। बाकी नीति निर्देशक तत्व जो है बच्चों, नीति निर्देशक तत्व राज्यों को केवल निर्देश देते हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमने इसके बारे में बच्चों इसके बारे में केटी शाह ने किसने केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा अनुसार अदा किया जाता है। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये बात कही, क्या कही कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसको किसके आधार पर बैंक द्वारा जब चाहे उसका भुगतान किया जा सकता है, मतलब राज्य चाहे तो लागू हो जाएगा और राज्य नहीं चाहे तो लागू नहीं होगा। ये बात कही, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आइंस्टीन ने कहा कि ये एक हमें सामाजिक कल्याण की विचित्र विशेषता नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है। आइंस्टीन साहब ने नीति निर्देशक तत्वों में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों में हमें सामाजिक कल्याण की भावना देखने को मिलती है, जबकि आपके केटी शाह ने नीति
निर्देशक तत्वों के बारे में कहा कि ये एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जिसे बैंक द्वारा, जिसे बैंक द्वारा सुविधा अनुसार, सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कीर्ति शाह साहब ने कहा किया जाता है। इसके अलावा आपके जेनिक्स ने इसके बारे में कहा, किसके बारे में? जेनिक्स ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है पुण्यात्मा, पुण्य लोगों की आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये बात जेनिक्स ने कहा था। जेनिक्स जिसने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी बताया था, वो भी कौन थे? जेनिक्स ने जिसने संविधान सभा को वकीलों का समूह बताया था, वो कौन थे? वो भी जेनिक्स साहब थे। तो इस प्रकार आज आपने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर को समझा और न्यायिक दृष्टिकोण के बारे में समझा। हम नेक्स्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कक्षा 12 के विद्यार्थी जो मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दें, ताकि मैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की पुस्तक को और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं। धन्यवाद।